कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी पर बुधवार को आंवला नवमी मनाई गई। आंवला नवमी के चलते महिलाओं ने सूर्योदय के साथ ही शहर में मंदिरों और अन्य स्थानों पर आंवले के पेड़ की पूजा की गई। सब्जी मंडी पार्क में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। यहां महिलाओं ने आंवले के तने की कपूर और घी का दीपक जलाकर पूजा की, आंवला नवमी की कहानी सुनी, पेड़ की 11 परिक्रमा कर पति और पुत्र की लंबी उम्र की कामना की। इस दिन स्नान, पूजन, तर्पण, दान का विशेष विधान है। महिलाओं ने पूजन तर्पण दान करके अक्षत फल की प्राप्ति की कामना की। पूजन करने पहुंची बेबी शर्मा ने बताया कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी कहते हैं। मान्यता है कि आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा और इसके नीचे बैठकर भोजन करने की प्रथा की शुरुआत करने वाली माता लक्ष्मी मानी जाती है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। भगवान से बोला कि क्या तुम शंकर को तुमने सब सौंप रखा है संसार का, वो संचालन अच्छा कर रहे हैं क्या? मैं परीक्षा लूंगी। विष्णु भगवान मना करते हैं तो बोले अच्छा आप बोले परीक्षा लो। तो फिर वो परीक्षा लेने आती भगवान, तो बोले आंवले के नीचे वैकुंठ में मैं खाना नहीं खिलाऊंगी, इतना मैंने सुना कि आंवले के नीचे आपको खाना खाना है। तो बोले मैं दोपहर खाऊंगा। तो कोई 5 संत भूखे थे तो उनको मालूम पड़ गया, उन्होंने एक और लिया और वो संतों को खाना खिला के आए। तो लक्ष्मी माता ने बोले आप कहाँ गए थे? बोले मैं संत भूखे थे उनको खिलाने गया। फिर और एक बार ली उनने परीक्षा, तो फिर 5 चीटियों को डिब्बी में बंद कर दिया। तो लक्ष्मी माता कहती है वो डिब्बी में बंद करते हुए कि मेरे को माफ़ करना, मैं बोले उनकी परीक्षा के लिए आपके साथ ऐसा कर रही हूँ। तो जो उनके वहाँ चावल लगा था वो डिब्बी में गिर गया और वो चीटियों ने खा लिया। तो भगवान को कहती है कि देखो आज 5 चीटी भूखी रह गई, आपने पेट भर के खा लिया। बोले नहीं आप देखो डिब्बी खोल के, तुमने देखी तो उसमें वो चीटियाँ खा रही थी। तो मतलब तब से ये वैकुंठ चतुर्दशी के नाम, मतलब आंवला नवमी के नाम से प्रसिद्ध हो गया और ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं। क्या क्या पूजा वगैरह भी होती है? सूत वगैरह भी, मतलब अक्ष मतलब हल्दी कंकू सब आंवले की फेरे दो, एक टाइम खाना खाओ, जो भी अपने जैसा बने वैसा दान पुण्य करो। मतलब आज जो भी दान पुण्य करोगे तुम उसका अक्षय फल मिलेगा, ऐसा होता है। क्या नाम है आपका? ये कार्तिक महीने की नवमी के दिन आता है। आज सभी सुहागवन की रेहड़ी से ये व्रत करती हैं, आंवले की पूजा करना, उसके 9 परिक्रमा देना और उसके बाद में दीप दान करना, यही महत्व है। क्यों पूजा की जाती है, इससे क्या फल मिलता है? सुहागवन के लिए, अपने अखंड सुहाग के लिए व्रत करती हैं, अपना घर हरा भरा रहे इसलिए ये व्रत करती हैं। विभा तारे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।